हल्ला बोल पोल खोल के नारों के साथ भाजपा का एक दिवसीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पुराना कोट स्थित धरना स्थल में दिया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया, जहां धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सत्यानंद झा, वीरेंद्र मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश राय व अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। स्थल में मौजूद नेताओं ने हवन कर झारखंड के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि की कामना किया। मौके पर अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों से जो वादा कर सत्ता में आई और जनता से किए वादे को भूल गई। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में विकास के ढेर सारे वादे किए, लेकिन वर्तमान में सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के बाद भी एक काम जनहित में नहीं किया है। विपक्ष में होने के नाते हम लोग हल्ला बोल पोल खोल के माध्यम से सरकार की मानसिकता को दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सत्यानंद झा ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, राज्य में लूट खसोट के साथ अपराधियों का बोलबाला है, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा सिर्फ धत्ता है, मुख्यमंत्री विकास कार्यों में विफल है। सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड वासियों को जो वादा करके झारखंड में आए थे, जिस उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी, इन्होंने एक भी आश्वासन को पूरा करने का काम नहीं किया है और सिर्फ जो है लूट खसोट मचा करके रखे हुए हैं। हम लोग आज जो है उनका जो पोल खोल के तहत जो है पोल भी खोलने जा रहे हैं और हल्ला भी बोल करके जो है हल्ला के माध्यम से उनके कान तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं कि आपने जो झारखंड वासियों के साथ जो वादा किया था आपका, आप सो क्यों गए हैं, आपके कान में जू क्यों नहीं रह रही है, आपने एक भी वादा को क्यों नहीं निभाया है, और भगवान राम जो है प्रभु राम आपको सद्बुद्धि दे कि आपने झारखंड वासियों के साथ धोखा देने का काम क्यों किया। इसके लिए आज हम लोग हवन के माध्यम से भी जो है आपको जो है कि झारखंड वासी खुशहाल रहे, झारखंड के वासियों के उम्मीद पर आप खड़े उतरे, इसके लिए आज हम लोग हवन भी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर होता है, एक सेंटर कहाँ होता है, हेमंत सोरेन जी के माने झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्षेत्र में, दूसरा सेंटर होता है कांग्रेस के ग्रामीण विकास जो ग्रामीण के मंत्री हैं उनके यहाँ, दो सेंटर में दोनों जगह फर्जरी होता है और पढ़े लिखे नौजवानों को दबाया जाता है और गलत नौजवान अनपढ़ नौजवानों को आगे किया जाता है। ऐसा यदि अफसर बनेगा झारखंड राज्य का कभी विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये जो अराजकता फैली हुई है चारों तरफ लूट खसोट, इतना ही नहीं एक ही परिवार में दो तरह की बात होती है। सीता सोरेन कहती है लूट खसोट हो रहा है, लूटे जा रहे हैं, अस्वर पर लगाम नहीं रहे, और उसका देवर कहता है अच्छी राज चल रहा है। बताइए सच कौन है, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से सच्चाई सच बात कौन बोल रहा है, भाभी बोल रही है कि देवर बोल रहा है, एक तो होगा इसका भी। इसलिए हम चाहते हैं जब घर में सामंजस्य नहीं है, भावर देवी का भावर भाभी का और देवर का झगड़ा आज पूरी जनता जान रही है, और उसके पिताजी कुछ बोल रहे हैं। बसंत सोरेन को संथाल वर्गना लूटने के लिए छोड़ दिया गया, यहाँ पर ट्रक चल रहा है, टोकन मिलता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। इस तरह से इसको पोल खोलने के लिए, पोल खोलने के लिए हम लोग हैं कि इसके परिवार का पोल खोलें, सरकार का पोल करें, पोल खोलें, इसी के लिए ये धरना आयोजित है। देखिए राज्य के वर्तमान भ्रष्ट मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के माध्यम से चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में विकास के ढेर सारे झूठे वादे जनता के बीच में लाया गया था, और इस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद इन्होंने एक भी काम नहीं किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, इसलिए जनता को हम सभी ऐसे इसके जो झूठे वादे थे घोषणा पत्र में उसको आद दिलाने के लिए पूरे राज्य स्तर पर इस सरकार से हल्ला बोल पोल खोल धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इससे हल्ला बोल पोल खोल गद्दी छोड़ कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने उसका हवन भी कर रहे हैं। इसके सद्बुद्धि के लिए इसका जितना भी झूठ पुलियाद और जितना भी कुकर्म है हम लोग हवन दे करके हम यहाँ के माँ चंचला से हम लोग जो है निवेदन और प्रार्थना करेंगे जनहित में सरकार काम करे। फिर भी अगर नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं आपने जो वादा किया था चुनाव से पहले उसको धरातल पर उतारिए, नहीं तो राज्य की जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आपको गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।